देखो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ हो गया। क्वेश्चन नंबर सिक्स सेम क्वेश्चन है, एक्स बराबर है 1 माइनस ए साइन थीटा, वाई बराबर बी कॉस स्क्वायर थीटा, के थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाई टू पर अविलंब की प्रवणता गेट कीजिए। ठीक, जैसे क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है सेम क्वेश्चन नंबर सिक्स है, एक्स का पहले थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, वाई का थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो और फिर डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल दो। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर सेवन है, क्वेश्चन नंबर सेवन है वाई बराबर एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7 पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखाएं x अक्ष के समांतर है। देखो बात नहीं, इसमें देखो क्वेश्चन नंबर सेवन में y बराबर दे रखा है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7, कह रहे कि यह वक्र है और इस पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है? बिंदु निकालना है। कह रहे कि जिस बिंदु पर, देखो अगर ग्राफिकली अगर इसको समझोगे ना, ग्राफिकली समझ लो क्या कह रहे हैं कि एक कर्व्ड है, कुछ इस तरीके का एक कर्व्ड है, ठीक ना, कोई भी मान लो, कह रहे कि इस देख कह रहे कि एक बिंदु पर कोई एक बिंदु है, इस बिंदु पर जो स्पर्श रेखा खींचेंगे, ये जो स्पर्श रेखा है ये एक्स अक्ष की क्या है, समांतर है। कह रहे कि जिस बिंदु पर हम स्पर्श रेखा खींचेंगे इस बिंदु का कोऑर्डिनेट बताओ, इसका निर्देशांक बताओ, निर्देशांक कितना होगा, ठीक ना, मतलब एक्स का मान और वाई का मान बताओ। ठीक ना, तो सबसे पहले हम निकालते हैं इस स्पर्श रेखा की प्रवणता, तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस कितना 9 माइनस 9। ठीक ना, तो स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता m बराबर क्या जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, एम वन बराबर ले लो डी वाई अपॉन डी एक्स, तो m1 बराबर हो जाएगा यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9। अच्छा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि ये जो स्पर्श रेखा है ये x अक्ष के समांतर है, तो x अक्ष के समांतर रेखा की प्रवणता, x अक्ष के समांतर रेखा की प्रवणता m2 बराबर क्या जाएगा, 0। ठीक ना, अब सेम रेखा है तो प्रवणता किसके बराबर हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9 बराबर क्या जाएगा, 0। इक्वेशन 3 से डिवाइड हो रहा है, डिवाइड कर दो, तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब 3 का ऐसा खंड करो, जोड़ने घटाने पे 2 आए, तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो देखो x, x माइनस 3 अगर प्लस 1 इसमें से कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x माइनस 3 और x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू क्या जाएगा, माइनस 1। मतलब इसमें दो पॉइंट्स आएंगे, कितने पॉइंट्स आएंगे, दो। देखो इस पॉइंट पे भी प्रवणता 0 हो सकता है और इस पॉइंट पे भी प्रवणता 0 हो सकता है, मे बी है, दो पॉइंट्स आ सकते हैं इसमें, ठीक है ना, तो एक x बराबर 3 आ जा रहा है, एक x बराबर माइनस 1। y का मान निकालना है, x का मान तो निकल गया, तो y का मान निकालना है, y का मान निकालने के लिए समीकरण नंबर 1 में मान रख दो, ठीक है ना, समीकरण 1 से पुटिंग x बराबर कितना 3 रख दो, x बराबर 3, तो y बराबर क्या आ जाएगा, 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 3 प्लस 7 इक्वल टू माइनस का 20। नहीं है समझ में, कैसे आएगा, आ गया ना, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 27 में से 7 गया 20 बचा, ठीक ना, तो पॉइंट क्या आ गया, ये पॉइंट आ गया हमारा 3 कॉमा माइनस का 20। सेकेंड हम पुटिंग करेंगे क्या,
एक्स बराबर माइनस वन, एक्स बराबर माइनस वन, माइनस वन पुटिंग करो तो वाई इज इक्वल टू क्या माइनस वन का क्यूब माइनस का थ्री इंटू माइनस वन का स्क्वायर माइनस नाइन इंटू माइनस वन प्लस सेवन, तो कितना जाएगा ये माइनस का एक प्लस का तीन प्लस का नौ प्लस का सात। देखो सात और तीन दस, उन्नीस, उन्नीस में से घटेगा कितना बचेगा अट्ठारह, तो भाई बराबर कितना आएगा अट्ठारह आएगा। ठीक, तो पॉइंट क्या आ जाएगा हमारा, पॉइंट आ जाएगा माइनस वन कॉमा अट्ठारह। क्लियर है, हैं? नहीं आया समझ में, आ गया ना? तो इस टाइप का क्यूब, अगर क्यूब इक्वेशन है, कैसे इक्वेशन है, हैं? अच्छा माइनस का तीन आएगा, सॉरी माइनस का तीन आएगा, तो कितना आएगा अट्ठारह बारह आएगा, तीन आ जाएगा बारह। ठीक है, नोट करो, बाई बराबर वक्र बाई बराबर एक्स माइनस टू का स्क्वायर पर एक बिंदु ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखा बिंदुओं 2.0 और 4.4 को मिलाने वाली रेखा के समांतर है, मिलाने वाली रेखा के समांतर है। ठीक है ना, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो बाई बराबर इक्वेशन दे रेखा क्या, बाई बराबर इक्वेशन दे रेखा एक्स माइनस टू का स्क्वायर, इस इक्वेशन को देखे तुम बता सकते हो किस चीज़ का इक्वेशन है ये, किस चीज़ का इक्वेशन है ये। देखो इसका स्क्वायर खोल दोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस माइनस फोर, तो एक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा ना, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसका होता है, परवलय का होता है, किस एक्सिस पे होगा बाई एक्स पे होगा। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक वक्र है, क्या है एक वक्र है इस तरीके से, मान लो कैसे भी एक रफ डायग्राम बना ले रहे हैं, मान लो एक वक्र है, कह रहे कि इस वक्र पे एक स्पर्श रेखा खींचना है, इस वक्र पे हमने एक स्पर्श रेखा खींचा मान लो इस पॉइंट पर, सॉरी ये प्रतिशत करता हुआ निकल गया, इस पॉइंट पे ले लो, ठीक ना, इस पॉइंट पर हमने क्या करा एक स्पर्श रेखा खींचा, कह रहे कि ये जो स्पर्श रेखा है ये 2.0 2.0 और 4.4 4 को अगर मिलाते हुए एक रेखा खींचते हैं, कमल देखो इस वक्र पे अगर रेखा खींचेंगे इस पॉइंट पर स्पर्श रेखा, तो कह रहे कि ये जो स्पर्श रेखा है ये स्पर्श रेखा 2.0 और 4.4 से जाने वाली रेखा के समांतर है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इस स्पर्श रेखा और ये दोनों के आपस में समांतर है, तो इस स्पर्श रेखा की ढाल और इसकी ढाल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक ना, तो इसकी ढाल और इसकी ढाल आपस में बराबर करके हम इस पॉइंट को निकाल सकते हैं, एक्स कॉमा वाई को निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले इसका डिफरेंशिएट कर दो, तो वाई बराबर देखो एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस फोर एक्स प्लस फोर हो जाएगा, डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू टू एक्स माइनस फोर, टू एक्स माइनस फोर। तो स्पर्श रेखा की ढाल, स्पर्श रेखा की ढाल एम वन बराबर क्या जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, तो जो एम वन बराबर टू एक्स माइनस फोर। अब 2.0 तथा 4.4 से जाने वाली रेखा की ढाल, रेखा की ढाल क्या जाएगा M2 बराबर, फॉर्मूला बताया था बाई टू माइनस बाई वन बटे एक्स टू माइनस एक्स वन, दो बिंदु दे रखा है ना, तो बाई टू कितना 4 माइनस 0 4 माइनस 2, तो कितना जाएगा ये 4/2 बराबर 2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न अनुसार क्या कह रहे हैं, दोनों स्पर्श रेखाएं, सॉरी दोनों रेखाएं आपस में क्या है समांतर हैं, इसलिए M1 बराबर क्या जाएगा M2।
एम वन बराबर क्या जाएगा एम टू, एम वन कितना है 2x माइनस 4 बराबर कितना जाएगा 2, 4 को ले जाएंगे तो 2x इज इक्वल टू कितना जाएगा 6, तो x इक्वल टू कितना जाएगा 3, x इक्वल टू 3। अब x का वैल्यू समीकरण नंबर एक में रख दो, इसको समीकरण नंबर एक मान लो, x का मान समीकरण एक में रखने पर क्या जाएगा y बराबर हो जाएगा तुम्हारा 3 माइनस 2 का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर बराबर 1, तो y बराबर हो गया हमारा 1। बिंदु क्या जाएगा, पॉइंट क्या जाएगा 3.1, क्लियर है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर नाइन दे रखा है, वक्र y बराबर x क्यूब माइनस 11x प्लस 5 पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखा y बराबर x माइनस 11 है, x माइनस 11 है। लो वक्र दे रखा है, वक्र का इक्वेशन दे रखा है y बराबर x क्यूब माइनस 11x प्लस 5, कह रहे कि इस वक्र पर उस बिंदु को ज्ञात कीजिए, क्या निकालना है इसमें, बिंदु निकालना है, बिंदु निकालना है जिस पे कह रहे कि स्पर्श जो रेखा है, स्पर्श रेखा जो है वो y बराबर x माइनस 11 दे रखा है, x माइनस 11 है। देखो इसको समझो, क्वेश्चन को, इसमें हमारे पास वक्र दे रखा है, क्या दे रखा है, वक्र दे रखा है और हमारे पास स्पर्श रेखा दे रखा है, हमसे पूछ क्या रहे हैं, स्पर्श बिंदु पूछ रहे हैं जहाँ पे वो स्पर्श कर रहे हैं, एक्स क्यूब वाला इक्वेशन है, ठीक है ना। वक्र कैसे बनेगा, एक रफली डायग्राम अगर मैं बनाऊँ तो कुछ इस टाइप का बनेगा, कुछ इस टाइप का, कह रहे कि किसी भी बिंदु पर, जैसे मान लो हमने एक बिंदु ले लिया, यहाँ पे एक बिंदु ले लिया, ठीक है ना, मान लो फॉर एग्जाम्पल रफली डायग्राम है कि इस पर अगर एक स्पर्श रेखा खींचते हैं, इस बिंदु पर क्या करते हैं एक स्पर्श रेखा खींचते हैं, तो इस स्पर्श रेखा का समीकरण दे रखा है y बराबर x माइनस 11, क्लियर है, ठीक ना। तो कह रहे कि जिस बिंदु पर ये स्पर्श कर रहा है इस बिंदु का हमें निर्देशांक ज्ञात करना है, तो इस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए कॉन्सेप्ट वही यूज करेंगे, सबसे पहले इस वक्र से स्पर्श रेखा की ढाल निकालेंगे, ठीक ना, और जो हमारे पास इक्वेशन दे रखा है इस इक्वेशन से ढाल निकालेंगे, इस इक्वेशन से कैसे ढाल निकालेंगे, इस इक्वेशन की तुलना कर देंगे y बराबर mx प्लस c से, कैसे तुलना कर देंगे mx प्लस c से तुलना कर देंगे, तो m का वैल्यू निकल के आएगा, किसका वैल्यू हो जाएगा m का वैल्यू हो जाएगा, क्लियर है। तो देखो y बराबर x क्यूब माइनस 11x प्लस 5, डिफरेंशिएट कर दो इसका, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन dx इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 11। स्पर्श रेखा की ढाल, स्पर्श रेखा की ढाल या प्रवणता m बराबर क्या हो जाएगा dy अपॉन dx, और dy अपॉन dx हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 11। स्पर्श रेखा की ढाल, स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण y बराबर x माइनस, ठीक ना, इसको तुलना कर दो y बराबर mx प्लस c से, तुलना कर दो y बराबर mx प्लस c से, इसकी अगर तुलना करोगे तो m बराबर कितना निकलेगा, देखो इसके साथ मल्टीप्लाई में कितना है 1 है, अगर इसकी तुलना करोगे तो m बराबर, तो m बराबर कितना आएगा 1, और अंतःखंड कितना आएगा माइनस का 11, तो अंतःखंड की तो ज़रूरत हमें नहीं है, अंतःखंड की ज़रूरत नहीं है, ठीक ना, हमें ज़रूरत किसकी है m की। तो देखो m बराबर 1 आ रहे हैं, ये किसकी ढाल है, स्पर्श रेखा की ढाल है, ठीक ना, हमने स्पर्श रेखा इस वक्र से निकाला है, उसकी ढाल कितनी है 3x माइनस 1, तो ये वाली ढाल और ये वाली ढाल आपस में क्या है बराबर है, ठीक ना, जब ये आपस में बराबर है तो जब ये आपस में बराबर है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का आपस में क्या कर देंगे बराबर, 3x स्क्वायर माइनस 11 इज इक्वल टू कितना जाएगा 1,
इक्वल टू 1 तो 3x स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 11 तो जाएगा 12/3 तो x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना जाएगा प्लस माइनस सॉरी x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आ जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 तो x इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 2 x का वैल्यू कितना जाएगा प्लस माइनस 2 जब ये प्लस माइनस 2 है इसमें वैल्यू पुटिंग कर दो पुटिंग x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 2 का क्यूब माइनस 11 इंटू 2 प्लस 5 8 माइनस 22 प्लस 5 8 5 13 22 में से 13 घटा दो कितना हैं 22 में से 13 घटा दो कितना माइनस का 9 माइनस का 9 पॉइंट क्या हो जाएगा पॉइंट कितना जाएगा 2 कॉमा माइनस 9 ठीक ना पुटिंग x इक्वल टू माइनस 2 x बराबर कितना रख दो माइनस 2 रख दो जब माइनस 2 रखोगे तो कितना आएगा भाई बराबर माइनस 2 का क्यूब माइनस 11 इंटू माइनस का 2 प्लस का 5 माइनस का 8 21 दो ना 11 दो ना 22 प्लस का 5 अब कितना आएगा 22 और 5 27 27 में से 8 घटा दोगे तो 19 कितना जाएगा 19 तो पॉइंट क्या जाएगा माइनस 2 कॉमा 19 मतलब दो बिंदु पर या दो इक्वेशन हो सकते हैं हैं हाँ सेम ये हमने वक्र दे रखा है चित्र बनाया था अभी वक्र पे जो स्पर्श रेखा खींचेंगे उस स्पर्श रेखा की ढाल हो जाएगा ये ठीक अब हमारे पास स्पर्श रेखा का समीकरण ही दे रखा है ना जब स्पर्श रेखा की समीकरण दे रखा है तो समीकरण से हम क्या निकाल सकते हैं वाई बराबर एम एक्स प्लस सी से तुलना करके ढाल निकाल सकते हैं तो ये भी स्पर्श रेखा की ढाल हो गई ये भी स्पर्श रेखा की ढाल सेम स्पर्श रेखा की ढाल है तो जब दोनों स्पर्श रेखा की ढाल है तो दोनों को क्या करेंगे आपस में बराबर कर देंगे तो x का वैल्यू हो जाएगा x का वैल्यू y में पुटिंग करके y का वैल्यू निकाल लेंगे देखो क्वेश्चन नंबर 10 प्रमाणता माइनस 1/42 सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए जो वक्र y बराबर 1/x-1 को स्पर्श करती है देखो प्रवणता दे रखा है m बराबर दे रखा है माइनस 1 वक्र दे रखा है y बराबर 1/x-1 को स्पर्श करती है क्या निकालना है रेखाओं का समीकरण निकालना है ठीक तो समीकरण निकालने के लिए क्या क्या चाहिए हमें समीकरण निकालने के लिए रेखा का समीकरण निकालने के लिए क्या चाहिए बिंदु चाहिए और ढाल चाहिए तो ढाल तो हमारे पास है प्रवणता हमारे पास है लेकिन बिंदु हमारे पास नहीं है तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे बिंदु निकाल लेंगे बिंदु निकालने के लिए इस वक्र से स्पर्श रेखा की ढाल निकालेंगे उस ढाल को माइनस वन के बराबर रख देंगे जब माइनस वन के बराबर रख देंगे तो क्या जाएगा बिंदु आ जाएगा x और y आ जाएगा x और y आ जाएगा ढाल हमारे पास दे रखा है समीकरण निकाल सकते हैं तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x तो ये dy upon dx इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस 1/x-1 का स्क्वायर क्या जाएगा x माइनस 1 का स्क्वायर 1/x का डिफरेंशिएट क्या होता है 1/x का डिफरेंशिएट क्या होता है माइनस 1/x स्क्वायर तो होता है तो यहाँ पे x माइनस 1 है फिर x माइनस 1 का डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आएगा 1 आएगा चेन रूल अप्लाई कर दो ठीक है अच्छा स्पर्श रेखा की ढाल स्पर्श रेखा की ढाल कितना जाएगा माइनस 1/x-1 का स्क्वायर और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्पर्श रेखा की ढाल दे रखा है हमारे पास कितना दे रखा है माइनस 1 तो माइनस 1 बराबर माइनस 1/x-1 का स्क्वायर माइनस से माइनस कैंसल क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो x माइनस 1 का
स्क्वायर इक्वल टू वन, इक्वल टू वन। स्क्वायर को बदल लिया तो x माइनस वन का स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर को बदल लिया होगे तो यह जाएगा प्लस माइनस वन, स्क्वायर रूट निकाल दोगे तो कितना जाएगा प्लस माइनस वन। तो x माइनस वन इक्वल टू माइनस वन और x माइनस वन इक्वल टू प्लस वन। तो माइनस वन से माइनस वन कैंसिल हो जाओ तो x इक्वल टू कितना आएगा यहाँ पे जीरो, इधर दो वन को ले जाओ तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आएगा दो, x बराबर जीरो और x बराबर दो। x का मान उठा के समीकरण नंबर एक में रख दो, पुटिंग x इक्वल टू जीरो इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में रखो देखो क्या आ रहा है, बाई इक्वल टू क्या जाएगा वन बाय जीरो माइनस वन इक्वल टू माइनस का वन, कितना जाएगा माइनस का बना जाएगा। पॉइंट क्या आएगा इसका, पॉइंट हो गया माइनस वन कॉमा सॉरी जीरो कॉमा माइनस वन, तथा पुटिंग x इक्वल टू टू, x इक्वल टू टू तो y इक्वल टू क्या जाएगा वन बाय टू माइनस वन, तो कितना आएगा ये वन आएगा। पॉइंट क्या हो गया, पॉइंट क्या हो गया दो कॉमा एक, रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण जब m बराबर माइनस वन है और बिंदु है जीरो कॉमा माइनस वन, तो y माइनस y वन बराबर m x माइनस x वन, y माइनस y वन कितना है यहाँ पे माइनस का वन माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, m कितना है माइनस वन x माइनस जीरो, तो y प्लस वन इक्वल टू माइनस का x, x को इधर ले आएंगे तो क्या जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो। एक समीकरण तो ये आ गया, दूसरे कंडीशन में ये होगा केस फर्स्ट, केस सेकंड, केस सेकंड, केस सेकंड क्या हो जाएगा देखो, केस सेकंड हो जाएगा इसमें m बराबर कितना माइनस वन और पॉइंट कितना है टू कॉमा दो कॉमा एक, तो बाई माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन कितना हमारे पास वन, एम कितना है माइनस का वन, एक्स माइनस एक्स वन कितना है दो, तो जब वाई माइनस वन इक्वल टू इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस एक्स प्लस का टू, तो जब एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना जाएगा है ना, वन को तो इधर ले आओ तो एक प्लस दो कितना जाएगा तीन आ जाएगा और x को उठा के इधर लिया है हमने तो ये आ जाएंगे दो इक्वेशंस। हाँ बताओ हैं चौथा ये वाला, ये इसका डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं वन बाई एक्स माइनस वन, देख अगर वन माइनस कर दें यहाँ पे हटा दे उसको तो क्या वन बाई एक्स है, वन बाई एक्स का डिफ्रेंशिएट क्या होगा वन बाई एक्स माइनस का वन बाई एक्स स्क्वायर होता है, इसका डिफ्रेंशिएट कर d अपॉन डी एक्स माइनस वन है ना, तो x माइनस वन की पावर माइनस वन हो जाएगा, इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर क्या जाएगा माइनस, तो पावर आगे आ जाएगा पावर एक माइनस हो जाएगा माइनस माइनस वन, फिर इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा एक आएगा, तो माइनस वन कितना आ जाएगा माइनस का टू, तो माइनस को प्लस में कन्वर्ट करेंगे तो बट्टे में आ जाएगा और ये माइनस बचाइए ठीक है ना, इस तरीके से आएगा क्लियर है। नोट करो ठीक ना, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक हो गया, बाकी इसमें तुम्हारे क्वेश्चन बचे हैं 25, मतलब दो दिन में खत्म हो जाएगा ये 25 क्वेश्चंस है इसमें टोटल ठीक है ना, तो दो दिन और लगेगा उसके बाद है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा आएगा उतना ही, क्योंकि वन है ना, वन का डिफरेंशिएट करो कितना आएगा जीरो आएगा, तो फिर